नमस्कार, मेरा नाम राहुल गौतम है, मैं आशा संस्था से आया हूँ। आज मैं प्रमोद कुमार महतो, जो हमारे अग्रणीय किसान हैं, उन्हीं के सेंटर नर्सरी पे आया हूँ, जिन्होंने 3-4 किसानों को मिलकर सेंटर नर्सरी यहाँ पे बनाया। देखिए, जो इन्होंने सेंटर नर्सरी 4-5 किसानों के साथ मिलकर बनाया है, इसकी पौधे की लंबाई से नर्सरी की माप बहुत ही अच्छी लग रही है, देखने में भी ढेर सारी खूबसूरत नजर लग रही है। और आज हम प्रमोद जी से जानेंगे कि इन्होंने अपने किसान के साथ मिलकर जो नर्सरी बनाई है, उसका रख रखाव कैसे किया है। प्रमोद भैया प्रणाम। प्रणाम राहुल भैया। प्रमोद भैया, आज आपका नर्सरी में देखा, देखकर बहुत खुशी हुई। आपने 4-5 किसान के साथ एक साथ नर्सरी बनाया और बहुत ही अच्छी नर्सरी बनी है। अब बताएंगे आप, ये नर्सरी जो बनाए, आपको क्या दिक्कत का सामना हुआ और इसका रख रखाव आपने कैसे किया, कितनी बढ़िया नर्सरी आपकी बनी है। राहुल भैया, ये नर्सरी बनाने के वास्ते हम 3-4 किसान मिलकर तब एक जगह सेंटर नर्सरी बने लिए। 3-4 किसान मिलकर बने लिए। 3-4 किसान मिलकर। और नर्सरी बनाने में सबसे पहले ध्यान ही रखल पड़े छे कि जमीन के सतह से ओकरा कम से कम 6 इंची, ज्यादा से ज्यादा 9 इंची ऊपर के बेड बनाना चाहिए, जमीन से ऊपर ऊपर जी। और उ बीच में 1 फुट का नाला चारों बगल देना चाहिए बेड के बीच में। ओकरा से की फायदा छे कि मान लेल जा, हम बेड बना के बिचर गिरा दिलिये, बिचर गिरा दिलिये, अधिक वर्षा भेले, जल लागे जते, पानी जमा भए जते, तो बीज का अंकुरण खत्म भए जते, पानी लागते, बीज दबी जते। हाँ, ये लेली पानी बेड देना बह गेले। ओकर बाद में बीज के जब गिरा दिलिये, तो बीज के गिरेला के बाद ओकरा सरिया कम्पोस्ट जे होय छे जी, वर्मी कम्पोस्ट। हाँ, वर्मी कम्पोस्ट या गोबर का भी खाद भी दे, सरलो जो कम्पोस्ट छे भुरभुरा टाइप का, ओकरा ऊपर से दे दिलिये, ताकि धान के ऊपर झपना रहले, चिड़िया चुनमुन नहीं चुनते जी 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 जी। धूप तेज के कारण से ओकरो अंकुरण सुखाय के वास्ते ओकरा ऊपर पर पुआल है छे, पुआल पुआल होय छे। हाँ, पुआल जी, जी। वहां पुआल ओकरा बिछा दिलिये ओकरा बेड पे, बेड पे पानी छिट्टा मार दिलिये कि पुआल जो भिंगल रहते तो उ नमी उ धान का अंकुरण न लेते, न सूखते और न खराब होते, वो सबका आराम आराम से लग देते। जब अंकुरण बड़ा भए गेले ओकरो जी जी, 1 इंची 1/2 इंची के जब देख लिये पुआल के ऊपर चढ़ा लगले, तो ओकरा पुआल का आस्ते आस्ते उठा के बाहर निकाल लेलिये, पुआल को हटा दे। हाँ, नहीं हटेबे तो पुआल में जड़ पकड़ लेते, तो बीच में दिक्कत भए जते, तो ओकरा ग्रोथ ना होते। हाँ, ग्रोथ नहीं होते, तब ओकरा पुआल के निकाल के हटा देलिये। कभी कभी बीच में भी एहन भए जाय छै कि बारिश रुकी गेलै, कड़ाके के धूप हुए लगले, तखनी ओकरा अंकुरण के दिक्कत हेतु, नया डिब्बी अभी निकल से कोमल से, तो उस पोजिशन पर ओकरा फिर से झाँप दे छे और शाम के टाइम में उगाड़ दे छे। अच्छा, शाम में उगाड़ दे छे। हाँ, जब कड़ा धूप रहे छे तब झाँपे छे, सब दिन नहीं झाँपे छे। जब कड़ा धूप देखलो ना, उस दिन ओकरा झाँप देलो, ताकि अंकुरण हमरो कुमलावे नहीं और सूखे नहीं। पौधा छोटा छोटा। हाँ, पौधा छोटा रहे छे, यहाँ एकर नियम छिके जी, एकर जे विधि छे ना, तो यहाँ इतना तो सावधानी बरतेल पड़े छे। ये सावधानी बरतला के बाद में और ऊपर ये करे छे कि बीज हमरा जब कभी उखाड़ना छे, एकरा तो मिट्टी समेत उखाड़ी के रोपना छे जी। अच्छा, इसीलिए वो थोड़ा सा जमीन से ऊपर करे, मतलब यहाँ भले जे कि हम चौड़ा बर्तन लगा ओकरा मिट्टी समेत उखाड़ ले छे। जमीन के सतह में रहते तो उखाड़े में हमारा प्रॉब्लम होते है, और बीज का भी दिक्कत होते है, जनरेशन में भी दिक्कत होते है, पानी जम जेते, एलिली बेड बनाना परम आवश्यक छे। मतलब पहला सावधानी आपने बरत लिया कि बेड से थोड़ा सा आप ऊपर बनाए। हाँ, ताकि जल जमाव ना हो। हाँ। दूसरा सावधानी आपने ये बरत लिया कि हम
पुआल से ढक देते हैं कि ज्यादा धूप भी आए तो हमारा कुमलाए नहीं, कुमलावे नहीं। अच्छा जी, दूसरा से दूसरा ये कारण से चिड़िया चुनमुन नहीं चुनते हैं, पुआल से ढकलो तो हम ना। अच्छा, जो बिचड़ा गिराते हैं तो वो इसे ढकने के बाद चिड़िया चुनमुन नहीं खाता। ढका गया चिड़िया भी नहीं। वर्मी कम्पोस्ट भी डाल, वर्मी कम्पोस्ट डालिए स्वस्थ निकलते हैं, पौधा स्वस्थ होता है। हाँ, मोटा होते हैं, मजबूत होते हैं। जी जी जी, और कोई सावधानी बरतते हैं क्या राहुल भैया? अभी बरसात का सीजन से और मुख्य एक सावधानी आ रही है जो कि हमने बता सकलिए जी, बेड के बीच में जो नाला बनावे छे, बरसात में जो वर्षा है छे, ज्यादा पानी भेला के बाद बेड के ऊपर पर पानी चढ़ जाए, नाला से ऊपर भी। हाँ, नाला से ऊपर चढ़ गए तो खराब नुकसान पहुंचाते हैं हमारा बीज के। ऐ लेली उ नाला जो बहने छे, नाला का पानी बरसात में ज्यादा पानी बारिश भए गए तो ओकरा पानी काटिक तुरंत बहाना बहुत मुख्य काम छिके, नहीं तो बीज के बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाते हैं। बेड के ऊपर आने से पीला हो जाता है, पीला भेजते हो। प्रमोद भैया, नर्सरी बनाने में और किसी तरीके से एक परेशानी भी हुई क्या? हाँ राहुल भैया, परेशानी थोड़ा भेल है, बीच में जो तेज बरसात भेल रहे 4-5 दिन पहले जी, ओकरा से बिचारी के बेड के ऊपर पर कुछ पानी चढ़ गए, नाला के ऊपर से भी। हाँ, और ओकरा से भेल कि बिचर के जे रहे रंग कुछ पीलापन पर आबी गेल रहे जी, ओकरा ले ली तब हम 2 लीटर पानी में 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिला का और तब बिचराड़ी में जो छिटलिए, नर्सरी में जो छिटलिए, ओकरा से देख लिए अखनी अब बिचरा कत्ता बढ़िया हरा भरा भए गेल। 2 लीटर पानी में 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर दिलिए, ब्लीचिंग पाउडर हाँ मिला का तब ओकरा छिट दिलिए तो फिर हरा भरा, फिर हरा भरा भए गेल। भैया, इतना बढ़िया से आपने नर्सरी बनाया, किसान बंधुओं को कुछ संदेश भी देना चाहते हैं? हाँ राहुल भैया, किसान बंधुओं को संदेश देना चाहे छी, सब किसान भाई बंधुओं का हमरो प्रणाम, सबका हम यह संदेश देना चाहे छी कि नर्सरी में चिड़िया के बचत के लिए हमरा धान के बीज ने चुनाई ले ली, ओकरा पुआल से ओकरा ढकी देना चाहिए। और दूसरा बात से कि जब तेज धूप हुआ तो उस टाइम में ओकरा पुआल से ढकी देना चाहिए ताकि हमारा अंकुरण खराब नहीं हुआ। आ सबसे मुख्य एक सावधानी बरतना ही जरूरी है, किसान भाई संदेश दे छे कि तेज बारिश हुआ तो नर्सरी में हमारा पानी नहीं जमना चाहिए, तुरंत पानी काटी ओकरा निकाली देना चाहिए। बाय द वे जब बहुत दूर वाला बात से कि पानी भागे के दौर नहीं है और दिक्कत से जो पानी जमी भी गेले, एक दिन दो दिन रुकी गेले पानी, हटी गेले धान जो पीला पड़ी गेले, तो वही ले लिए 2 लीटर पानी में 1 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर शाम का टाइम में छिटी देना चाहिए। यहाँ एक सबसे मुख्य सावधानी बरते वाला बात है, यहाँ संदेश में किसान भाई के लिए। प्रमोद भैया, आपने जो नर्सरी के रख रखाव के विषय में इतने बढ़िया से बताया, अपने किसान बंधुओं को इतना अच्छा संदेश दिया, इसके लिए धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम राहुल भैया।